नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है बिहार के गया से। आगामी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 22 स्थानों पर किया जा रहा है। इसको लेकर शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता रक्तदान के प्रति जोरों शोरों से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। इसी क्रम में शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के पुराने सदस्य अंगदानी छात्र संघ नेता विश्वजीत सिंह ने कई कोचिंग संस्थानों में जाकर युवाओं को रक्तदान करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि 23 मार्च को लोग रक्तदान करें। रक्तदान से बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता और हमारे शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान करके दी जा सकती है। इस मौके पर इनके साथ ब्रिगेड सदस्य राहुल कुमार मिश्र, हिमांशु कुमार मौजूद थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए गया से प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। कोई इसमें ट्रैफिक नहीं है। आपका जो है एक ओटीपी जाता है, ठीक है ना, और उसके आपके मोबाइल पे ही रहेगा। आप जब चाहिएगा जब उस ब्लड को यूज कर लीजिएगा। आपके फैमिली में जरूरत पड़ेगा आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालिएगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल में दिखाइएगा, आपको फैमिली का जो है ब्लड मिल जाएगा। तो आपको बस यही कहना चाहते हैं कि 23 तारीख को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का शहादत दिवस है जो हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में। उसी दिन ये शिविर का आयोजन किया गया है। जगह जगह पे दूर कैंप लगा हुआ है। उस कैंप में जहाँ भी नजदीक का पड़ता है, जैसे मगर मेडिकल है, वहाँ पर के जो लोकल लोग हैं वहाँ जाके करेंगे। रेड क्रॉस में है, वहाँ के लोकल लोग जो हैं जो वहाँ जाकर करेंगे। विभिन्न विभिन्न जगह पे किया गया है।